जो लोग भी कहते हैं कि अब कुछ नहीं होगा, जो सरकार चाहेगी वही होगा और हम लोग का केस डिस्पोज पे डिस्पोज होते चला जाएगा और कुछ नहीं होगा, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि आप सिंगल बेंच से कभी एग्ज़ाम को या रिजल्ट को रद्द होते हुए कभी देखे हैं लाइफ में? ऐसा कितने टाइम हुआ है? ऐसा नहीं होता है मेरे हिसाब से। तो जो भी है डबल बेंच में होता है, तो डबल बेंच में दो केस ऑलरेडी चल रहा है। और एक बात बताइए, हमारे जो वकील साहब होंगे वहाँ पे और जो भी शिक्षा विभाग के वकील आएंगे, तो उनसे साक्ष्य मांगेंगे हमारे वकील साहब कि रो मार्क्स क्या किए आप, रिस्पॉन्स शीट क्या किए, आरटीआई का जवाब आप क्यों नहीं दिए? तो वो जो शिक्षा विभाग के वकील रहेंगे उधर से, वो क्या कहेंगे कि सर हम कुछ कुछ सीटें भी बेच दिए हैं, तो वो छिपाना पड़ रहा है, इसलिए आप केस को डिस्पोज कर दीजिए। तो ऐसा होगा लगता है आपको? नहीं ना होगा। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं कि जीतेंगे, और जो भी होता है तो डबल बेंच से ही होता है। डबल बेंच में 100% है कि आपका रिजल्ट जो भी है कैंसिल हो जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल डिप्रेशन का शिकार मत होइए और किसी इधर उधर का बात किसी को मत आप सुनिए। आप करते रहिए जो भी करना है, आप अपने हक के लिए लड़ना कहीं से भी गलत नहीं है। मैं शुरू से ही आपको बोल रहा हूं और हम लोग तो कार्य कर ही रहे हैं, आप लोग भी एक्टिव होइए, क्योंकि अगर सो जाइएगा तो कुछ नहीं होगा। और जो भी केस स्टेटस जानना है वो भी स्क्रीन पर चल रहा है, दिखा देंगे आगे चल करके। आपको इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग अब एक्टिव होइए, ट्विटर पे अकाउंट बनाइए, आपको 4 तारीख को उसी दिन हैशटैग बताया जाएगा, और सब करके रखिए और थोड़ा एकजुट होइए। और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके आप जुड़िए, टेलीग्राम से जुड़िए, फेसबुक ग्रुप है वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। और जिनको बात करना है तो अबाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आपको मिलेगा। देखिए ऊपर में चल रहा है, यहाँ पर आपको अगर चेक करना है स्टेटस तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा, जो भी एलपीए सेकंड बेंच वाला होता है और सीडब्ल्यू जैसी सिंगल बेंच वाला होता है। यहाँ पे मुख्य पटिशनर का नाम डालना है, जैसे कन्हैया जी का है, हम केस स्टेटस देख रहे हैं, जो इससे पहले सत्यप्रकाश जी इस केस को किए थे तो डिस्पोज हुआ था सिंगल बेंच में, तो यही अब डबल बेंच में चला गया है। यहाँ पे आपको ईयर सेलेक्ट करना है 2021, और ये जो कैप्चा दिख रहा है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। फिल करने के बाद शो पे क्लिक करना है, यहाँ व्यूज पे क्लिक करिएगा, उसके बाद आपको सारा कुछ खुल करके आ जाएगा। कुछ कुछ चीज़ें हमने हाइड कर दी है क्योंकि प्राइवेसी के खिलाफ है ये सारी चीज़ें। तो आप लोग बने रहिएगा, कहीं से आप लोग डीमोटिवेटेड मत होइए। अगर आप लोग डीमोटिवेटेड हो जाइएगा तो बताइए लड़ने वालों का क्या हाल होगा। तो आप पे जहाँ भी जो भी कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं, ट्वीट पे एक्टिव हो सकते हैं तो ट्वीट पे आइए, हर जगह आप लोग जितना लोग को जोड़ सकते हैं जोड़िए। हम चंदा चुकड़ी आप लोग से नहीं मांग रहे हैं कि चंदा दीजिए, फिलहाल केस किया हुआ है, बस उसको अंतिम चरण तक पहुंचाइए, हम लोग को जीत मिलेगी, 100% जीत मिलेगी। और कि कहां कहां बचेगी, कुछ लोग जब केस फाइल हो रहा तो उस टाइम क्या जवाब देगा के लिए शिक्षा विभाग का, जो भी सरकार की ओर से जो भी वकील रहेंगे वो क्या जवाब देंगे? जो पिटिशनर रहते हैं वही कोई चेंजेस हम लोग का जो नहीं दिया गया, इसलिए आपको नहीं बनाया गया। रोमार से रिस्पॉन्स नाराज मत होइए, सिंगल आरटीआई का जवाब बन गए हैं, अच्छी बात है। जब नेगेटिव मार्किंग का था ही नहीं तो नेगेटिव नाम देखिए साथ में, कैसे आए बच्चों का पहले भी बताए थे, प्लस में बाद में आकर के नॉर्मलाइजेशन का एड्रेस है, तो ये सब मैं हाइड नोटिफिकेशन में मेंशन करना, और ये सारी बातें मेंशन है। और जो सिंगल बेंच जो पहले से हम कह रहे थे कि देव भारती जी का सिंगल बेंच में जो केस किया वो मैथ के लिए ओनली नहीं है, वो नॉर्मलाइजेशन पे है। आपको मालूम है कि डबल बेंच का जो सुनवाई होता है किसी भी सब्जेक्ट से हो, इसलिए सिंगल बेंच में उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आपसे हम कोई पैसा नहीं मांग रहे हैं और कभी मांगे भी नहीं है अपने लिए, चाहे मेरा अकाउंट नंबर कभी जारी नहीं हुआ है। ये देखिए दूसरा जो आपका चल रहा है, ट्विटर कैंपेन में भाग जरूर लीजिए, एक सिंगल बेंच वाला है जो अभयारण्य जी का है, तो उसी दिन आपको हैशटैग बताया जाएगा, सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद आपको दिखेगा। मैं एक सिंगल बेंच का दिखा देता हूँ, दिखाते हैं आगे चल करके दिख जाएगा आपको।
और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर लोगों के पास कीजिए जो डिस्क्वालीफाई है, क्वालीफाई के पास वैसे भी मत दीजिए क्योंकि वो लोग आपको दिग्भ्रमित करेंगे और जो भी है गलत कमेंट्स ही करेंगे, सही तो वो लोग करेंगे नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है बताइए, सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा, ऐसे ही थोड़े जिसको जो लिखना है लिखिए, सब लोग जैसे सिलेक्ट करना है कुछ भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, बोलने के लिए सब लोग सतर्क हैं। हम देख रहे थे तो यहाँ पे देख लीजिए एसीडब्ल्यूजेसी जो है, जो है आपका अभय रंजन जी वाला जो केस है ए वाला, और यहाँ पे देखिए इसका जो भी आपको सुनवाई होना था 29 अप्रैल को, देखिए कैप्चा है आपको स्क्रीन पे दिखेगा, केस नंबर पे आपको क्लिक करना है, देखिए केस खोल करके आ गया, अब यहाँ पे हम तो क्लिक करेंगे, यहाँ नीचे में आपको यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ देखिए 19 अप्रैल को होना था लेकिन कोर्ट बंद हो गया, और जैसे ही कोर्ट खुलेगा सबसे पहले सुनवाई इन्हीं का होगा, फिर से केस नंबर पे क्लिक करेंगे और देख लीजिए इनमें जो भी पिटिशनर बने हुए हैं, देखिए इनका, देखिए 19 अप्रैल को इनका सुनवाई होने वाला था लेकिन कोर्ट बंद हो गया, कोर्ट बंद हो गया आपका, उसके वजह से